आज का मेरा टॉपिक जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले ना डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद हम बुक में देख लेंगे। आसान सा टॉपिक है। अच्छा, ये डायग्राम है। देखिए, सबसे पहले एक सेल होता है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये जर्म सेल है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम है। ये क्या होता है, ये 2N, मतलब क्या कि इसके जो अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो इसके बाद 46 मौजूद होंगे, डिप्लॉयड होगा। ये क्या करता है, ये अपने जैसे मैच्योरेशन कर रहे होते हैं माइटोसिस के जरिए। ठीक है, अपने जैसे अपनी सेल को मेंटेन करने के लिए स्पर्मेटोगोनियम अपने जैसे और सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन करते रहते हैं और। ठीक है, ये तो स्पर्मेटोगोनियम है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल है ग्रो करके बनता है, इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने इसको मेंटेन करने के लिए अपनी नंबर को मैच्योर करते रहते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं, तो ये बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो माइटोसिस का जो एक करैक्टर है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी भी हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेल है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, अपने जैसा अगर दूसरे सेल बना ले तो ये इसको कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, जा रहे हम डिटेल में नहीं जा रहे अभी। तो ये माइटोसिस है। अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में ये होता है, मियोसिस के दो प्रोसेस हैं कि अगर ये एक सेल है, इसके 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अपने ऐसे दो सेल बनाएगा, पहले ये कहलाएगा मियोसिस वन और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर लेगा, 23 23। फिर ये जो दो सेल हैं ये अपने जैसे दो दो और बना लेंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास चार सेल और सबके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये वाला मियोसिस वन है और जो सेकंड नंबर पे हो रहा है इसको कहते हैं मियोसिस टू। ठीक है, और ये माइटोसिस की तरह ही होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, 23 ही रहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना है वो मियोसिस वन में होना है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर आगे सेल बढ़ते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, उनका नंबर सेम रहता है जो कि मियोसिस वन के बाद बना है। अच्छा भाई, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मियोसिस वन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस वन और इसमें मैंने बताया कि मियोसिस वन ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए हाफ, तो अगर 2N था तो 1N हो जाएगा और क्या हो गया, इस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, मियोसिस टू होगा। मियोसिस टू से मैंने बताया इसी जैसे अपने ऐसे दो दो सेल बना लेंगे, ये दो अपने ऐसे, ये दो अपने ऐसे बना लेगा और इनको हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिड्स का। और ये डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब क्या कि ये जो स्पर्मेटिड हैं इनका प्रॉपर शेप नहीं होता। ठीक है, इनकी जो ये नॉन मोटाइल होते हैं, एक तो नॉन मोटाइल और इनका प्रॉपर शेप नहीं होता जो कि स्पर्म्स का शेप होता है। फिर थोड़े से मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और फिर क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। मगर इस प्रोसेस में माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं हो रहा, बस चेंजिंग्स हो रही हैं इनके स्ट्रक्चर लेवल पे। अब हम बुक में देख ले हैं, तो बुक में सिर्फ यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये कहाँ होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, देखें अगर ये टेस्टिस है हमारे पास, टेस्टिस के स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगी जिनमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो, दो चीज़ें होती हैं, हो रही होती हैं, टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर से देता है मेल को, मतलब जैसे दाढ़ी आना, आवाज़ का भारी होना, और दूसरा काम क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो ये दो चीज़ें हो रही होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अच्छा, तो ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो मैं स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बता रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जर्म सेल होगा, अनडिफरेंशिएटेड, इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया 2N होगा। ये क्या होगा, माइटोसिस होगा, अपने ऐसे और डॉटर सेल्स बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये क्यों बनाता है, ताकि सप्लाई ऑफ सेल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, और ताकि जो सेल्स जो हैं अपने जैसे मेंटेन कर सके, जैसे मैंने आपको बताया। और स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये हार्मोनल सिग्नल्स आएंगे, जाहिर है कोई हार्मोन से सिग्नल आएंगे तभी जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन हो रही होगी इसकी। अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद ये होगा कि मियोसिस वन हो गया, जैसे मैंने हमने डायग्राम में देखा। इसमें क्या होता है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यहाँ एन शो कर दिया इन्होंने, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। फिर मियोसिस टू होगा, क्या होगा कि फोर उसी ऐसे दो दो और बना लेंगे, फोर सेल्स बन जाएंगे जो कि क्या होंगे, स्पर्मेटिड्स कहलाएंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ए ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जितना ही होगा जो कि क्या हो गया था, एन। ठीक है, जस्ट यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है, एक सेल से दो बनने हैं और दो थे तो क्या बन जाएंगे, चार। ठीक है, अब क्या होगा, स्पर्मेटिड जो हैं ये क्या होंगे, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और उससे फाइनली क्या बन जाएगा, स्पर्म सेल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन जो हो रही थी, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या होता है, ये ऐसा क्या करते हैं कि स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए, होता ये है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है उसको रीशेप करते हैं। उसके बाद एक्रोसोम यहाँ स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया हुआ है, ये स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है। देखें, ये टेल है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा
जो है वो छोटा लिखा हुआ है, ये मिडिल पीस है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद ये हेड है और टॉप पे है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे ये फ्यूजन में मदद करता है और फर्टिलाइजेशन में काम आ रहा होता है। तो जो एक्रोसोम है, फॉर्मेशन एक्रोसोम हो रही होती है जिसके अंदर क्या एंजाइम्स क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन वही है, स्पर्म का एक से मिल जाना, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन कराते हैं, एक चीज़ ये हो रही है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिलम, मतलब मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल हैं, तो फ्लैजिलम बनेगा जो कि ये टेल है, ये क्या कर देगी, इसको मोटाइल कर देगी, विच इनेबल सिस्टम स्पर्म मोटिलिटी, फाइनली फुली स्पर्म्स जो है फुली डेवलप स्पर्म बन जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, और ये रिलीज़ हो जाएंगे ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और जो आगे पूरा जो पाथवे है वो पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ये क्या होता है, इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे पहले बताएंगे प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, और दो जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं एक्रोसोम और फ्लैजिला का बनना, ये आप मेंशन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक आपका जो है यहाँ पर एंड होता है।